देता हूँ, 2 मिनट भी इस धूप में खड़ा हो रहा नहीं जा रहा है। या गाइस, इस तरह से अभी हमने स्टार्ट कर दिया है पानी बचाना। अब अनबॉक्स कर लेते हैं, दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है, जो मेरा इस वाटर क्राइसिस के टाइम पे बैंगलोर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो गाइस, आप जैसे कि जानते हो मेरा नाम है गरिमा। वैसे तो मैं हरिद्वार रुड़की से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से, पहाड़ी नहीं हूँ, बट हाँ जो घर है, नेटिव प्लेस है, वो हरिद्वार और उत्तराखंड, मतलब रुड़की है, सॉरी। लेकिन हम रहते हैं बैंगलोर में। आप लोगों के साथ अपनी बैंगलोर की लाइफ या जहाँ पे भी हम रहते हैं, क्या हम करते हैं, सब कुछ थोड़ा आपके साथ शेयर किया जाए, एक बॉन्ड बनाया जाए आपके साथ, जिससे हमारा यूट्यूब फैमिली और अच्छे से ग्रो हो, हम लोग कनेक्ट फील कर पाए। एंड सो आई थिंक ब्लॉग्स आर द बेस्ट वे जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ब्लॉग में आपसे वैसे ही पूरा दिन अब बातें होती रहेंगी, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज का दिन। तो आज है सैटरडे गाइस, एंड बैंगलोर में है गर्मी ज़बरदस्त हो रही है, धूप बहुत तेज निकली है, एंड वाटर क्राइसिस तो आपको पता ही है होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, तो बैंगलोर में थोड़ा वाटर क्राइसिस भी चल रहा है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से जितना बारिश होना चाहिए तो वो बारिश नहीं हुआ है। तो खैर, दिन को शुरू करते हैं गाइस। मैं तेल वेल लगा के पूरा रेडी हूँ, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है, तो मैं हैंड हेयर वॉश वगैरह भी लूँगी, तो इसलिए आपको ये चिपू चिपू वाला लुक मेरा दिख रहा है। तो चलो करते हैं दिन की शुरुआत। वैसे दिन की मेरी शुरुआत हो चुकी है, मैं उठ के गरम गरम पानी जो होता है वो पी लेती हूँ बेसिकली, और उसके बाद अब आपसे बातें कर रही हूँ। चलो अभी ये जान लेते हैं बैंगलोर का क्या वेदर है, क्योंकि अभी सुबह के 9 बजे हैं गाइस, एंड गर्मी इतनी हो रही है कि मेरा मन था कि मैं डोर ओपन करूँ, पर नहीं किया मैंने डोर ओपन। तो उधर पीछे मैंने विंडो ओपन की हुई है, उधर से अच्छा सा सनलाइट और विंड भी आ रही है। तो चलो आगे का दिन शुरुआत करते हैं, जो भी हम करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे हम बैंगलोर में रह रहे हैं, कैसे हम वाटर को सेव करने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, वो सब मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली। तो उम्मीद करती हूँ आपका आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, एंड प्लीज़ मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहना, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ एंड व्हाट इज द करंट टेम्परेचर ऑफ बैंगलोर? राइट नाउ इन बेंगलुरु कर्नाटका इट्स 26 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, सो एलेक्सा को मैंने 2 कमांड एक साथ दे दिए, तो उसने टाइम तो नहीं बताया, टाइम मैं बता देती हूँ आपको। सो टाइम अभी हो रहा है सुबह के 9:26 हो रहे हैं। हाँ, मैंने अपने वॉच में ये कूल वाला वॉलपेपर लगाया हुआ है, सो दैट यहाँ बैंगलोर की गर्मी में थोड़ा ठंडक सा फील हो जब भी मैं अपनी वॉच को ओपन करूँ। तो टाइम 9:26 हो रहे हैं, एंड टेम्परेचर आपको पता ही है, एलेक्सा ने बता दिया है। तो चलो आपको बाहर की चिल मिलाती धूप भी दिखा देते हैं। तो अच्छी खासी धूप निकल रही है, मतलब सीरियसली बताऊँ 2 मिनट भी इस धूप में खड़ा हो रहा नहीं जा रहा है। सो गाइज, वेलकम टू माई किचन, और मैं बना रही हूँ दाल के परांठे, लेफ्ट ओवर दाल के परांठे, सॉरी। तो बस ये आटा मैंने बना लिया है, एंड अब बना लेते हैं फटाफट से परांठे, जो कि मज़ा आने वाला है, मक्खन के साथ खा लेंगे। सो अशेष कर रहा है अपना ब्रेकफास्ट, ये जो मैंने दाल के पराठे बनाए हैं अच्छे से, साथ में मक्खन, एंड यहाँ पे श्रेष्ठ अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। अशेष, कैसा बनाया पराठा? अच्छा। तो थैंक यू श्रेष्ठ। तो आज श्रेष्ठ, अच्छा यार पता है रात क्या हुआ, श्रेष्ठ को चोट लग गया, श्रेष्ठ मतलब ऑलमोस्ट सोने ही जा रहा था, तो उसका पैर स्लिप हो गया फ्लोर पे, और उसको यहाँ पे लगी है बहुत ज़्यादा चोट, मतलब नीचे लिप्स पे देख रहे हो कि स्वेलिंग वेलिंग आ गई है। तो आज श्रेष्ठ का स्कूल में ओरिएंटेशन डे भी है, तो मैं और श्रेष्ठ घर पर ही हैं, क्योंकि श्रेष्ठ को थोड़ा चोट लगा, उसका बिल्कुल मन नहीं था जाने का, तो उसके पापा गए ओरिएंटेशन में, एंड तो सुबह से वैसे भी अपने स्पाइडरमैन मैकक्वीन में लगा हुआ है। एज यू नो यार, बॉयज़ को की लाइफ ये सब में घूमती रहती है, ये सब में नहीं, हाँ इस सब में तो घूमती होगी, ये सब में घूमती है। आपके भी अगर छोटा बच्चा तो मुझे बताना कि यार उन्हें क्या पसंद है खेलने में। हम मेरे में बनाएंगे ये छोले। मेरा दूध उबल गया है, सिम पे गया हुआ था तब भी थोड़ा सा निकल गया। ओह नो।
अभी क्या हो गया है ना, मतलब जैसे वीक में 2 बार वॉशिंग मशीन लगती थी, अब हमने वॉशिंग मशीन वीक में 1 बार लगानी शुरू कर दी। ऑलमोस्ट कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, नो लॉन्ड्री काफ़ी हो जाता है, बट वीक में 1 टाइम वॉशिंग मशीन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे मैंने अच्छा आरो जो वेस्ट वाटर होता है वो भी मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। सो मैंने इनिशियली ये वाटर भी यूज़ कर रही थी कपड़े धोने के लिए, लेकिन फिर मैंने कुछ यू नो आर्टिकल्स पढ़े और उसमें मेंशन था कि ये वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इट्स नॉट सेफ। आई डोंट नो कितना सेफ है, अगर सेफ है या नहीं है आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट आई थिंक अभी पानी बचाना है तो आई थिंक ईच ड्रॉप मैटर्स। तो मैं ये पानी यूज़ कर रही थी बट अभी मैंने आज यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं डाउटफुल हूँ कि कपड़ों, क्योंकि श्रेष्ठ के भी कपड़े रहते हैं ना, तो बच्चे के कपड़े रहते हैं, तो आई थिंक सेफ वाटर होना ज़रूरी है। तो यार पहला स्टेप हम आजकल यही ले रहे हैं कि हमने वॉशिंग मशीन वीक में 1 बार धोना शुरू कर दिया है, लगाना शुरू कर, एंड मतलब अगर श्रेष्ठ के क्लोथ्स ही ज़्यादा रहते हैं, अगर श्रेष्ठ के क्लोथ्स ना हो जैसे यूनिफॉर्म्स वगैरह, तो मैं 15 दिन में 1 बार भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन हाँ वीक में 1 टाइम तो हो ही रहा है क्योंकि शेष के यूनिफॉर्म्स वगैरह भी रहता है और डेली वियर क्लोथ्स भी रहता ही है। या गाइस इस तरह से अभी हमने स्टार्ट कर दिया है यू नो पानी बचाना, और अभी और भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। सो जैसे मैंने आपको बताया मैं आरो वाला वाटर बचा रही हूँ, तो वो भी यूज़ कर रहे हैं हम क्लीनिंग वगैरह करने में। एंड मैंने एक आज प्रोडक्ट यू नो मंगा, मतलब प्रोडक्ट पहले ऑर्डर किया था बट उसका डिलीवरी आज होना है, एंड दिस द मुझे लगा कि अमेजिंग प्रोडक्ट होने वाला है ये। एंड वाटर क्राइसिस में पानी को बचाने के लिए एक मेजर यू नो स्टेप ये रहेगा, एंड ईच एंड एवरी होम में यूज़ भी होता है, तो आई थिंक जब आप मेरा वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा मैं किस की उसकी बात कर रही हूँ। तो फाइनली वो प्रोडक्ट आ गया है जिसकी मैं बात कर रही थी, तो ये मैंने बहुत यूजफुल प्रोडक्ट मंगाया है, मीशो से मंगाया है, एंड लेट्स सी द इसका क्वालिटी कैसा रहता है। एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैं बहुत टाइम से कुछ यूजफुल ढूंढ रही थी, एंड कॉफ़ी सर्च करने के बाद आई फाइनली गॉट दिस, एंड फाइनली मैंने रिसीव कर लिया है आज। तो चलो इसको अब अनबॉक्स कर लेते हैं, दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है, जो मेरा इस वाटर क्राइसिस के टाइम पे बैंगलोर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। गाइस अगर ये प्रोडक्ट आपको भी अच्छा लगे और मेरा ये आइडिया अच्छा लगे ये परचेज करने का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चलो जल्दी से इसको मैं ओपन करती हूँ। आई कांट वेट, लेट्स गो। तो इसके साथ हमें यू नो ये सब इसके अटैचमेंट्स मिलते हैं जिन्हें हमें खुद से असेंबल करना है। सो एक रोड है एंड फ्रंट जो हमारे मॉब का फ्रंट रहता है वो है, प्लस जो इसका माइक्रो फाइबर क्लॉथ है वो मिलेगा जो इसमें ऑलरेडी अटैच्ड हुआ हुआ है। सो बहुत इजी है इसको असेंबल करना, इट्स नथिंग यू नो रॉकेट साइंस, बस आपको ये जो डॉट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये एडजस्ट कर लेना है। साथ में इसके मिलता है एक ब्लैक कलर का बॉटल जिसमें आप लिक्विड फिल कर सकते हो, सो वो फिल करना है, एंड ईजिली ये पूरा यू नो अटैच हो रही है, कोई मैनुअल का भी इसमें नीड नहीं है। तो 360 डिग्री इसका फ्रंट जो पार्ट है वो पूरा रोटेट हो जाता है, एंड द बॉटल कलर इज़ नाइस, मतलब जब ये पूरा असेंबल हुआ तो काफ़ी यू नो प्रीमियम लुक दे रहा था, एंड क्वालिटी भी मुझे ठीक लगी, नॉट सो दैट गुड, तो मुझे नहीं पता ये प्रोडक्ट कितना टाइम चलने वाला है अभी, बट हाँ इनिशियली अच्छा लग रहा है, स्प्रे जो है इसका काफ़ी यू नो स्मूथ है, एंड सो फाइनली दिस इज़ अ स्प्रे मॉप जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये जो आप देख रहे हो इसका क्लोथ, ये आराम से आप डिटैच कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, एंड अगेन उसको इस पर अटैच कर सकते हो। सो या आई लव दिस प्रोडक्ट। फाइनली मैंने अनबॉक्सिंग आपको इस अमेजिंग प्रोडक्ट की दिखा दी है, एंड इट्स टाइम फॉर द रियल टेस्ट। तो चलो रियल टेस्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना कन्वीनियंट है और कितना पानी ये सेव कर लेता है एंड कितना अच्छे से ये वर्क करता है। तो चलो देखते हैं।
सो गाइज आई एम रियली लाइकिंग दिस प्रोडक्ट और आप देख ही सकते हो कितना कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़ है और यू नो मुझे क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, ठीक है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि पानी को ये बहुत ज़्यादा बचाने वाला है एंड मुझे कोई बकेट वगैरह यूज़ नहीं करनी पड़ रही है। ओनली दिस ये जो छोटी सी बॉटल आप देख रहे हो उसी में है सब लिक्विड एंड हाफ ऑफ द घर मैंने इससे क्लीन कर लिया है। तो यू नो बैंगलोर के वाटर क्राइसिस में दिस प्रोडक्ट इज़ मस्ट टू हैव इन ईच एंड एवरी होम। तो मतलब बहुत सही पानी ये सेव करने वाला है। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है दोस्तों, ओनली आई एम शेयरिंग माई यू नो पर्सनल एक्सपीरियंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। सो दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है इसका जो फैब्रिक है वो मतलब पानी यू नो ज़्यादा यूज़ करने ही नहीं वाला है क्लीन करने के लिए, बहुत छोटा सा है क्योंकि जो रेगुलर हमारे पोचे होते हैं उन्हें क्लीन करने में तो यू नो बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। सो या फ्लोर क्लीन करने में पानी बचा रहा है एंड खुद को क्लीन करने में पानी बचा रहा है तो और क्या चाहिए। ईजी टू यूज़ है, यू नो इवन बच्चे भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे पानी सेव कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर बैंगलोर बट इट इज़ फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि अब हाई टाइम आ गया है जहाँ पे आपको वाटर सेव करना सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए एंड उसे अपनी प्रैक्टिस में ले आना चाहिए, चाहे आप बैंगलोर में हो या बैंगलोर से बाहर हो। अगर हमारे आने वाली जनरेशन को पानी देना है तो दोस्तों प्लीज़ पानी बचाना शुरू कर दो, अभी से ही कर दो। सो या गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, बहुत मोटिवेट करता है आपका ईच एंड एवरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, उम्मीद करूँगी कि आप मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे जल्दी से अगली वीडियो एंड ब्लॉग्स में। टाटा।